नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। हाथरस के मनीषा गैंग रेप व हत्याकांड में आरोपियों को फांसी की सजा की मांग करते हुए कल बांदा में कई समाज सेवी संगठनों ने शहर में कई जगह प्रदर्शन किया व GIC मैदान में मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। समाज सेवी कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग कर रही है कि ऐसे बलात्कारियों को भी सड़क में खड़ा कर गोली मार दी जाए या फिर फांसी की सजा सुनाई जाए ताकि मृत मनीषा की आत्मा को शांति मिल सके। बांदा से ब्यूरो चीफ गुल मोहम्मद की रिपोर्ट। आप लोगों की सबसे पहले तो जिन्होंने ये किया है उनको फांसी देनी चाहिए और हमारी तो डिमांड ये है पर्सनली कि उन लोगों को बीच चौराहे में ला के एनकाउंटर किया जाए ताकि करने वाला व्यक्ति भी ध्यान में रखे कि हमने ऐसा कभी भी ऐसा कोई चीज नहीं करना। जी, जो हाथरस पर अभी हत्याकांड हुआ है, मनीषा हत्याकांड, मनीषा वाल्मीकि का गैंग रेप हुआ, उसके बाद उसको जला करके मार दिया गया, उसके परिवार को भी नहीं बताया गया और परिवार को घर पर बंद कर करके उसको आधी रात को उसके सब डाई कर दिया गया, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? जी, हम लोग चाहते हैं कि जो हत्यारे हैं, जो गैंग आरोपी हैं, उनको सभी को फांसी हो और तत्काल स्टैक हाई स्टैक पर कोर्ट पर उसका मुकदमा चलाया जाए और उसको तत्काल फांसी मिले।